नमस्कार, मैं मिलिंद बोरीसागर आपके अपने YouTube चैनल माउंटेन में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने इस उद्यान के दूसरे भाग में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मेरे सामने आप टाइगर देख रहे हैं, जो कि बंगाली टाइगर की बोला जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी तरह से शिकार करने में माहिर होता है, जो कि इंडिया के अलावा काफ़ी कम देशों में पाया जाता है, मोस्टली अफ्रीकन कंट्री में पाया जाता है, लेकिन गुजरात में कम पाया जाता है। उसके साथ साथ बंगाल में सबसे ज़्यादा ये टाइगर पाए जाते हैं। जस्ट मेरे सामने देख रहे हैं कि लिपड़, जिसको जंगली बिल्ली भी देसी भाषा में बोला जाता है, जो कि जस्ट मेरे सामने भी ही आपको दिख रही है, लेकिन ये बिल्ली की सुरक्षा के लिए वो काफ़ी घातक होती है, इसलिए कि इसकी सुरक्षा के लिए कांच के दीवार भी यहाँ पर काफ़ी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे प्रेक्षक गण भी आप मेरे सामने ही जस्ट देख रहे हो कि पूरी यात्रा के दौरान यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा दृश्य यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ काफ़ी बाघ वगैरह भी अपने वहाँ पर जो आप देख रहे हैं उसके शयन कक्ष में भी रहते हैं, जिससे कि उसको धूप ना लगे, इसके लिए वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा दृश्य आपको देखने को मिल जाता है। जस्ट मेरे सामने ही आप देख रहे हैं कि पूरा बाघ दिख रहा है, जो कि सोया हुआ है और अपनी निंद्रा को पूरी कर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि बाघ दिन में एक ही बार शिकार करता है और पूरा दिन वो सोने और या शयन कक्षा में रहता है। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि एशियन लायन, जो कि अभी इंडिया में ही बचे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि एशिया के यहाँ के अलावा कहीं पर आपको दिख नहीं सकते। ये एशियन लायन है, जो कि काफ़ी कम प्रजाति बची है और ज़्यादातर जूनागढ़ और सासनगिर पे आपको दिखने को मिल जाते हैं, और कभी कभी ऐसे एरिया होते हैं जहाँ से आप पूरा का पूरा उद्यान में भी कभी कभी आपको दिख जाता है। जो भी ये इसका वेट वगैरह रहता है वो 160 से लेके 190 किलो तक रहता है, और उसकी जो शोल्डर वगैरह रहते हैं वो काफ़ी कम रहते हैं। और यहाँ पर दोनों लोग बॉम्बे से आए हैं देखने के लिए। बहुत मस्त है सर, बहुत मस्त है। हम एक बार आके यहाँ पे टूर कीजिए, बहुत मस्त है, बहुत मस्त जगह है, आप यहाँ आइए घूमिए। आप कितने दिनों से यहाँ हैं? पीछे पीछे थोड़े चले जाइए, या मेरे प्रेक्षकों को दिखाओ, कितने दिनों से यहाँ हैं आप दोनों? तीन दिन से है। तो अच्छा, 3 दिन से है, तो क्या क्या देखा आपने अंदर? हमने बाघ, लायन देखा, चीता देखा, मोर देखा, और अभी तो आए हैं अभी घूमना, और बाकी है। अच्छा, वो लाइन वगैरह कहीं मिलते हैं? लाइन वगैरह गुजरात के अलावा कहीं मिलते हैं? जूनागढ़ और शासन के बिना कहीं मिलते हैं? और जो टाइगर आपको देखने को मिला, वो टाइगर कहीं दिखने को मिलते हैं? अच्छा, रैपर है। हाँ, अच्छा, रैप अभी नहीं चलेगा ना अपनी चैनल, वो है रैप वाली नहीं है। जस्ट मेरे सामने ही आप देख रहे हैं कि बंदर की पूरी की पूरी मंकी की प्रजाति मेरे सामने ही दिख रही। उसके साथ साथ ये पिंग ट्रेलर मंकी कहा जाता है, जो कि काफ़ी अजीब प्रजाति मानी जाती है, और काफ़ी ये चिंपांजी की तरह काफ़ी अच्छी प्रजाति मानी जाती है। जो कि मेरे सामने एक बूढ़ा बंदर है, मंकी, जो कि अपनी
मस्ती में है। मेरे सामने ही काफ़ी प्रेक्षकगण भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि अपना अपना दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और उसके आगे बंदर का घर भी है, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं मंकी स्टेशन या फिर मंकी होम, जो कि काफ़ी अच्छा आपको दिखने को मिल जाता है। यहाँ पर मंकी काफ़ी सारे खेल रहे हैं, लेकिन ये झाड़ियों के बीच कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा मंकी स्टेशन भी आपके सामने ही जस्ट आपको मिल जाएगा, और उसके साथ साथ हिप्पो स्टेशन भी यहाँ लिखा है। देखते हैं कि यहाँ पर क्या हिप्पो वगैरह यहाँ पर हमको लोगों को देखने को मिल जाता है। जैसे ही हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो यहाँ पर हिप्पो वगैरह यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन अभी दोपहर का टाइम है तो हिप्पो शायद मेरे को लग रहा है कि सोने के लिए चला गया होगा, इसलिए हम लोगों को हिप्पो देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। और दूसरे हिप्पो भी आपके सामने ही जस्ट पानी उसको ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए अपना पानी में ही मुंह डुबाकर पूरा का पूरा दिन रखते हैं। और उसके साथ साथ ये निंद्रा की अवस्था में चले जाते हैं। जस्ट मेरे सामने ही आपको दिख रहा है दो हिप्पो। जस्ट मेरे सामने ही आप देख रहे हैं कि कछुओं की पूरी प्रजाति आपको दिखने को मिल जाती है। ये प्रजाति काफ़ी कम पाई जाती है, जो कि सोमनाथ और वेरावल में काफ़ी फेमस है। और इस रेड ऑइड स्लाइडर ट्रूटल ऐसा इसको बोलते हैं, ये काफ़ी बड़े वृक्ष भी यहाँ आपको कुदरती की प्रकृति में आपको दिखने को मिल जाते हैं। कौन सा है मंकी की प्रजाति पाई जाती है, इसलिए इन लोगों को अलग अलग बॉक्स में रखा जाता है, जो कि अभी कुछ कुरकुरे वगैरह का आनंद मंकी ले रहा है। उसके साथ साथ मादा जो मंकी है वो पूरा का पूरा कैमरा को देख रही है कि ये क्या हो रहा है। काफ़ी बार मंकी को उछल कूद करने के लिए टायर भी रखा जाता है, ताकि उसको कोई परेशानी ना हो। इस टायर के ऊपर और नीचे वो अपना मस्ती करते रहते हैं। ये दूसरा मगरमच्छ है, जो कि दूसरी प्रजाति का है, इसलिए इसको दूसरे बॉक्से में रखा गया है, जो कि अपना नींद वगैरह कर रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि नींद करने में मगरमच्छ काफ़ी फेमस होता है। जस्ट मेरे सामने ही आप देख रहे हैं कि मोर अपना खाना खा रहा है। काफी अच्छा नज़ारा भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। देखा
को वॉकिंग वैली बोला जाता है, जहां पर काफ़ी पक्षी वगैरह यहां पर आपको दिखने को मिल जाते, जो कि काफ़ी सुरक्षा के घेरे में रहते हैं और कांच की दीवार के अंदर पूरा का पूरा आपको दिख रहा है। उसके साथ साथ पूरा का पूरा पक्षी का यहां बेड़ा भी आपको दिख जाता है, जो कि स्विट्ज़रलैंड और स्कॉटलैंड में जो बत्तख वगैरह आपको मिल जाते हैं, वही स्कॉटलैंड और स्विट्ज़रलैंड के बत्तख भी आपको यहाँ पर काफ़ी देखने को मिलता है। उसके साथ साथ मेरे जस्ट सामने ही देख रहे हैं कि ब्लैक लेफ्ट लोरी, जो कि काफ़ी अच्छा पक्षी की प्रजाति मानी जाती है, जो कि उसकी एज लिमिट 20 से 30 साल की होती है, जो कि जस्ट मेरे सामने ही आपको दिखने को मिल जाती है। लेकिन देखिए कि अभी दोनों जोड़िया अपने साथ अपने कक्ष के, और वहाँ पर आपको रेड कलर का जो भी दिख रहा है वो पूरा का पूरा आपको दिखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ पूरा का पूरा ये वैली वॉकिंग वेरी वैली जो बनाई गई है वो प्रॉपरली वेल स्टेब्लिश बनाई गई है और कुदरती दृश्य जैसा ही आपको मिल जाता है। ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन डस्की लोरी का है, जो कि अपना खाना खा रही है, जस्ट मेरे सामने ही आप देख रहे हैं। उसके साथ साथ जैसे ही हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो ये गला कोकाटू नाम का जो पक्षी है, जिसकी एज 30 से 40 साल की होती है, वो हमारे साथ हमको दिखने को मिल जाते हैं, जो कि कपल है, जो कि एक नीचे बैठा है और दूसरा ऊपर अपना खाना खा रहा है, और ज़्यादातर ये मूंगफली वगैरह ज़्यादातर ये पक्षी वगैरह खाते हैं। हमने चैटरिंग लोरी का पूरा दृश्य आपको दिखने को मिल जाता है। ये ज़्यादातर इंडोनेशिया की प्रजाति है और ज़्यादातर इंडोनेशिया में मिलती है, और ये इंडा सेवन अपना 24 डे से 28 डे में करती है, और काफ़ी खूबसूरत रहती है, और इंडोनेशिया में ये प्रजाति काफ़ी पाई जाती है। जस्ट मेरे सामने ही आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न रोजिला की प्रजाति है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारी प्रजाति ये पाई जाती है और जंगली ज़्यादातर रहती है। ऑस्ट्रेलिया के जंगल में ऐसी प्रजाति आपको देखने को मिल जाती है, और काफ़ी ऊँचे एरिया में बैठना उसको पसंद आता है। और जस्ट मेरे सामने ही आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा लाइन लगा हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर जाने के लिए आपको जो टिकट पहले ख़रीदा है वो दिखाना पड़ता है। उसके साथ साथ यहाँ पानी का झरना भी काफ़ी आपको खूबसूरत दिख रहा है।
जस्ट मेरे सामने ही आप देख रहे हैं कि गुलाबी पेड़ आपको दिखने को मिल जाती है, जो कि भी काफ़ी उसकी आयु 35 साल से 40 साल तक रहती है। उसके साथ साथ आप मेरे जस्ट सामने देख रहे हैं कि दोनों की प्रजाति, दोनों मादा और नर दोनों साथ में ही टल रहे हैं। उसके साथ साथ उसका बच्चा भी अपनी मस्ती में घूर है और काफ़ी अच्छा नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भगवी सुरखाब रबी, उसका जो आयुष है ज़्यादातर भारत और ऑस्ट्रेलिया में यह प्रजाति पाई जाती है। ग्रेट वाइट इग्रेट, जो कि ज़्यादातर आपको आर्मेनिया, फ्रांस, ग्रीस, न्यू जर्सी जैसे कंट्री में आपको पाई जाती है और काफ़ी तरह अपने जंगल में भी ये प्रजाति पाई जाती है, जो कि शांत प्रजाति है और शिकार वगैरह करके अपना ज़्यादातर टाइम खुश खुशहाल में बिताती है। मेरे जस्ट सामने ही देख रहे हैं कि ब्रेक क्राउनेड नाइट हेरोन, जो कि देख रहा है, जो कि एशिया और उत्तर अफ्रीका और सहारा के रन, जो कि साउथ अफ्रीका में है, वहाँ पर माना जाता है। और इसकी तेजस एक कलाकृति है कि प्रजनन के दौरान उसके राते बगले के पग राते हो जाते हैं, और ऐसा कई बार जियोग्राफी में भी आपने पूरा का पूरा ये दृश्य कई बार आपने देखा होगा। जस्ट मेरे सामने ही आप देख रहे हैं, जस्ट मेरे सामने ही आप देख रहे हैं कि इंडियन पाउंड हेरोन, जो कि भारत, पाकिस्तान, म्यांमार जैसे देशों में आपको पाए जाते हैं और काफ़ी ये आपको देखने को भी यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ दोनों साइड पूरा का पूरा खंबा आपको दिखने को मिल जाता है, जिससे ये पूरा का पूरा पटड़ी आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है, जहाँ से सब लोग एंट्री वगैरह भी यहाँ से कर सकते हैं। और जस्ट मेरे सामने ही आपको कई प्रजाति के पक्षी वगैरह यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाते हैं, जिसको नेपेड इल्बिस कहते हैं, या फिर इंडियन ब्लैक एबिस को भी कहते हैं। और जितने भी इंडिया के आसपास के देश है उस उनमें और म्यांमार में ये काफ़ी सारा पाया जाता है, और उसकी अवधि 20 से 30 साल तक रहती है। और प्रजनन की ऋतु के दौरान उसकी जो चांच होती है और पग का रंग होता है वो रेड हो जाता है, जो कि जियोग्राफी में या फिर आपने कई सारी चैनलों में भी आपने देखा होगा। जस्ट मेरे सामने ही आप देख रहे हैं कि डोमिसेल क्रेन नाम का जो पक्षी है, जो कि सामाजिक वर्तन और सौंदर्य नृत्यन और वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी तरह से आपको दिखने को मिल जाते हैं। उसके साथ साथ जैसे ही आपने यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा भी यहाँ पर आपको ये पक्षी की प्रजाति काफ़ी यहाँ देखने को मिल जाती है। यहाँ पर पक्षियों को रहने के लिए घोंसला भी पूरा का पूरा बनाया गया है। उसके साथ साथ तोहफे की भी व्यवस्था पीने के लिए यहाँ पर आपके सामने ही जस्ट मिल जाएगी। ये आपको देख रहा है कि कैसे पक्षी वगैरह अपना खाना खा रहे हैं।
यहाँ पर काफ़ी अच्छी कैलिफोर्नियन लावरी भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। उसके साथ साथ ये काफ़ी तरह कनाडा, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों में काफ़ी सारी यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर पक्षियों को रहने के लिए घोंसला भी काफ़ी अच्छी तरह से दिया गया हुआ है। ये आप दूसरे पक्षियों की तरह नहीं होता, ये पक्षी बड़े होते हैं इसलिए उसका घोंसला भी बहुत बड़ा यहाँ से दिख जाता है। और यहाँ पर आप जैसे पेड़ में देख रहे हैं कि जंगल विभाग ने या फिर उसने कुछ बेड़िया वगैरह नंबर वगैरह दिया गया है, इससे उनको पता चले कि कितने साल का ये जानवर अभी तक हुआ है या फिर पक्षी अभी तक हुआ है। ये जस्ट जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ कि उसके राइट साइड में जैसे ही आप देखोगे तो एक बेड़िया जैसा जो नंबर दिया है गया है, वो नंबर इसलिए होता है कि कितने साल का हुआ है, कैसी तबीयत वगैरह रहती है, ये सब जानने के लिए वन विभाग अपना पूरा काम यहाँ पर करता है। इस प्रजाति के काफ़ी सारे अंडे भी यहाँ आपको दिखने को मिल जाते हैं, जिससे यह प्रजाति पूरा का पूरा प्रजनन वगैरह यहाँ से कर सकती है। उसके साथ साथ काफ़ी इसके लिए खाने के लिए भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर रखा गया है। ये अंडे जो रहते हैं वो ज़्यादातर ये पक्षी बाहर ही छोड़ते हैं ताकि उसको प्रजनन करने में कोई दिक्कत ना हो। जब कभी ये प्रजाति का अंडा 20 या 30 दिनों का होता है तब ये अपनी माँ अपने बच्चे को लेके पानी में चली जाती है। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नए नए वीडियो अपनी चैनल पे मिलता रहे। थैंक यू। जो पक्षी जो जो इंगा जो मोमो खाए जो ये रहा है जो जिंगो जो मोमो खाए।